Rajput. So now it's time for cricket, guys. छह ओवर का मैच होने वाला है और हम बढ़ेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. ओवर चा हा सामना आहे. पहिला बॉल आणि समोर आहे शाहिद. सरोजचा बॉल चॉप केलाय गली मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु त्यानंतर पायाला लागतोय बॉल, डिफ्लेक्ट होतोय आणि दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे यशस्वी होतोय. एकूण एक रन महत्वाचे या मॅच मध्ये. सरोज पहिलं षटक इथे टाकण्यासाठी सरोज प्रामाणिक आणि पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान दोन रने सुरुवात. बहुत चतुर रनिंग बिटवीन द विकेट. देखिए थॉमस डैश की ये खास बात है, सुबह दोपहर शाम रात वो सिंगल को डबल कन्वर्ट करने में हमेशा एक्टिव रहता है, और शाहिद को सपोर्ट करते हुए दो रन पूरा करने में थॉमस ने मदद की और शाहिद ने दो रन से अपना खाता खोला वहां पर कनेक्ट आईटी धानु के लिए. महत्वाचा बैटर है शाहिद. मागच्या मैच मध्ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार त्याने जिंकलाय. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न. ही लाईन चांगली आहे, या लाईनवर बॉल टाकावा लागेल पावर प्लेच्या दरम्यान. सरोज प्रामाणिक पहिला बॉल दोन रन, परंतु त्याच्यानंतरच्या बॉलवर चांगलं पुनरागमन. हे चांगलं बॅटल रंगेल. धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली वर्सेस या सामन्यामध्ये कनेक्ट आयटी. हे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळताना दिसतात. लक्ष प्रस्थापित करायचं, टॉस जिंकला बॅटिंग करण्याचा निर्णय कनेक्ट आयटीचा. सरोज हा बॉल फुल टॉस होता पाहूया. पंच सांगतायत इट्स बीमर. कमरेपेक्षा जास्त उंचीने हा बॉल टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे हा बीमर घोषित करण्यात आलेला आहे. थोडीशी दुखापत इथे जाणवते शाहिदला. दोन रन पळून काढल्यात आणि नो बॉल, अशा तीन रन या बॉलवर मिळतील. मेरिकल से अनइंटेंशनल बीमर था, लेकिन डेफिनेटली जब चोट लगती है तो चोट को यह नहीं पता होता है कि वो इंटेंशनल था कि अनइंटेंशनल था. और फर्स्ट एड बॉक्स स्प्रे, अगर स्प्रे है रिलीज स्प्रे तुरंत लेके जाया जाए. यूट्यूब टेलिकास्टवर पाहताय. या स्पर्धेचे शिल्पकार भरतसिंह राजपूत यांना नगराध्यक्ष आहेत डहाणू शहराचे आणि उद्गाते आहेत या स्पर्धेचे. त्यांच्या संकल्पनेतून 5 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आहे. राजकीय क्षेत्रात पाहतोय आपण, त्यांनी उत्तुंग भरारी घेतली आहे. तसंच क्रिकेटवरचं त्यांचं प्रेम या स्पर्धेच्या माध्यमातून उफाळून आलंय. इथे एक रन मिळेल. मग अशी थोडासा बॉल रिस्टला लागला होता, थोडीशी दुखापत इथे जाणवली, अजूनही तो विवळतोय. परंतु सध्या जर आपण पाहिलं तर सरोज प्रामाणिकने तो जो बॉल टाकला बीमर, त्याच्यानंतर फ्री हिटवर जास्त हानी झालेली नाहीये. फक्त एक रन इथे, टीमची धावसंख्या आहे 6. 6 विदाऊट लॉस. स्ट्राइकिंग एंडला थॉमस डायस. हे वादळ आहे मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटचं.
भरपूर अर्धशतक मागील दोन हंगामामध्ये या खेळाडूच्या नावाच्या समोर लागलेले आहेत. महत्त्वाच्या स्पर्धा अक्षरशः गाजवल्यात. मुंबई प्रीमियर लीग ही स्पर्धा गाजवली या हंगामाच्या सुरुवातीला सरोज प्रामाणिक. पाहूया त्याच्याविरुद्ध कशी बॉलिंग करेल. थॉमस डायस साठी एक गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग शॉर्ट मिड विकेट 38 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑन मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे. एक एक्स्ट्रा कव्हर ठेवण्यात आलाय. यावेळेला हेलिकॉप्टर आणि बॉलला पाठवलं लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने मॅक्स. और एक तरफ खौफ गब्बर का है लेकिन दबदबा बल्लेबाजी के बब्बर का है. गब्बर और बब्बर जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या हो सकता है. अब देखिए चांगला हेलिकॉप्टर चांगला टाइमिंग. पुन्हा एकदा एक चांगला ड्राइव इथे केलाय. कवर्स मध्ये क्षेत्ररक्षक भरपूर वेगाने येईल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न थ्रो खराब आहे. दोन धावा मिळतील थॉमस डायसला. षटकार मारला त्याच्यानंतर डबल टीमची धावसंख्या 14. डेफिनेटली देखिए धमाका के सामने थॉमस डायस ने मैसेज भेजा. इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा. पण आता पाहूया त्या प्रश्नाचं उत्तर इथे धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली देईल का. एक इम्पॉर्टंट अनाउंसमेंट है क्योंकि पुराने बॉल खत्म हो चुके हैं. अगर बॉल खो जाती है वापस नहीं आती है तो नए बॉल ही प्ले के लिए दिए जाएंगे. थैंक यू. आणखीन एक ओवर पिच बॉल खोदून काढलाय. मिड ऑफच्या दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. इथे रन मिळणार नाही थॉमस डायसला. पहिलं षटक सरोज प्रामाणिकचं इथे संपतं आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 14 धावा केलेल्या आहेत कनेक्ट आय टीने. सुरुवात चांगली झाली हरीशजी कारण बिनबाद 14 अशी धावसंख्या उभारली कनेक्ट आय टीने. वो जो सिक्स था आज की शाम का दिलकश मंजर और लगने वाला वो बेहतरीन सिक्स थॉमस का एफर्टलेस स्टैंड एंड डिलीवर शॉट जो था. He is definitely, that was a poster boy shot of the tournament. अन्नू आता बॉलिंग करताना दिसेल. ओव्हर नंबर 2 या एंडने विवेक शिलारने चांगली कामगिरी केली आहे. त्या एंडने आता अन्नू कशी बॉलिंग करेल. पहिला बॉल आणि व्ही शेप मध्ये डाऊन दी ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत आहे. फिल्डर व्हाट अ कॅच. कॅच ऑफ द फायनल अप्रतिम झेल. ये आसान नहीं होता. कल ऐसा ही डिफिकल्ट कैच डाइव मार के शाहिद शेख ने किया था और आज श्रेयस कदम ने लिया है. देखिए दिल्ली की टीम का श्रेयस कदम जो है ना ये मुझे वाकई में वो महाराष्ट्र का मराठी गाना याद दिलाता है. दिल्ली ताही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माजा. श्रेयस कदम ने दिल्ली का रंग रखा वो कैच लेकर. और यही कहूंगा जिसमें है दम वो है कदम. नहीं याच्यासाठी तर मी मगाशी उल्लेख केला होता. तुम्ही सांगितलं की इलाका तुम्हारा धमाका हमारा. मी तर इथे म्हणेन वाडा तुमचा परंतु राडा आमचा. हेच इथे सांगताय सध्या दिल्लीचे खेळाडू कारण त्यांना माहिती आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 रन आले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करत असताना महत्वाची विकेट घेतली शाहिद शेखची आणि सध्या 14-1 अशी परिस्थिती झाली आहे. चांगला झेल इथे श्रेयस कदमचा. बँड्राचा खेळाडू आहे. मोठा खेळाडू आहे. शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम त्याने गाजवलंय. दिल्लीच्या टीममध्ये खेळताना दिसतोय आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय हे जे क्रिकेटचं जाळं आहे फक्त महाराष्ट्रपुरतं आता मर्यादित राहिलेलं नाहीये. हे दिल्लीपर्यंत पोहोचलंय. लखनौ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पंजाबपर्यंत जाऊन पोहोचलंय. गोव्याचे खेळाडू देखील आपण पाहणार आहोत सुप्रीमो स्पर्धेमध्ये. त्याच्यामुळे हे जे जाळं आहे क्रिकेटचं टेनिस बॉल क्रिकेटचं भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलंय.
चांगली बॉलिंग इथे बोल्ड दुसऱ्या बॉल वर सलग दुसरा धक्का आणि आता ऑन हॅट्रिक असेल बॉलर आहे अन्नू आणि हॅट्रिक साठी 15,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे या स्पर्धेचे शिल्पकार भरतसिंह राजपूत नगराध्यक्ष डहाणू यांच्याकडून सुनील चावरी एक मोठा खेळाडू आहे लेदर क्रिकेट चांगला खेळतो परंतु इथे पहिलाच बॉल त्याने मिस केला फुल टॉस और सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्टी बैटर को भेज के जो एडवांटेज लेना चाहते थे वो हुआ नहीं लेफ्टी टू लेफ्टी बॉल आई अन्नू ने कल अपनी बॉलिंग के बलबूते पर ही मैन ऑफ द मैच जीता था और अन्नू ने अभी भी जो गेंदबाजी की है काबिल तारीफ है अन्नू ने बताया कि ठीक है पहले ओवर में सरोज ने 14 रन दिए कोई बात नहीं मैं हूं ना मैं कोशिश करूंगा मैं रन को दबाऊंगा और मैं अपनी टीम को जिताऊंगा अब कोई भी टूर्नामेंट के फाइनल में इस तरह का इंटेंस क्रिकेट ये अपेक्षित है और वो हो रहा है खूपच चांगलं हे क्रिकेट पाहायला मिळते ज्याची अपेक्षा प्रेक्षकांनी केलेली आहे अगदी तसाच पैसा वसूल सामना त्यांना पाहायला मिळेल उदंड प्रतिसाद जिथे नजर जाईल तिथे प्रेक्षक प्रेक्षक आणि प्रेक्षक पाहायला मिळतात कोणी घराच्या गॅलरीमध्ये आहेत कोणी घराच्या छतावर बसून देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण आहोत गरमागरम वाफळता चहा सोबत गरमागरम भजी असली आणि त्याचबरोबर असं क्रिकेट असलं तर मजा ऑन हॅट्रिक हॅट्रिक बॉल होता फुल टॉस होता त्याला फक्त दिशा दिली आहे मिडविकेटवरून क्षेत्ररक्षक येतो एक रन कम्प्लीट होते दुसरा रनचा प्रयत्न रनआउटची संधी परंतु एक धाव इथे मिळेल सिंगल या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 15 इथे रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून बीमरसाठी थर्ड अंपायर आता इन ॲक्शन असतील आमचे तिसरे पंच DRS वापरलाय बॅटिंग करणाऱ्या खेळाडूंच्या माध्यमातून अजित मोहिते आणि गब्बर तिथे आहेत माफ करा थॉमस तिथे आहे शाहिद आउट झालाय तर त्यांच्याकडून हा DRS वापरलाय आमचे थर्ड अंपायर मुन्ना पठाण आता त्यांचा निर्णय देतील इट्स अ फेअर डिलिव्हरी योग्य बॉल होता त्याच्यामुळे एकच रन मिळेल आणि आता फायनल मॅच मध्ये नगराध्यक्ष साहेब यांनी सांगितलंय भरतसिंह राजपूत यांनी की सलग 3 षटकार मारले तर 30,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल प्रत्येक बॅटरला 30,000 हा बॉल डॉट बॉल टाकलाय अन्नूने कमालीची बॉलिंग केली हरीजी या ओव्हरच्या दरम्यान आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये फक्त 1 रन खर्च केले और जो उनकी सातत्यता है देखिए वो बल्लेबाज को अच्छी तरह पढ़ रहे थॉमस डायस जैसे बेहतरीन बैटर को रोक कर रखना ये आसान काम नहीं है शॉर्ट बॉल होता आणि यावेळेला मिडविकेटला दिशा दिलेली आहे आणि त्याचबरोबर DJ बारी जो बॅनर लागलेला आहे या मॅच मध्ये तिथे जर बॉल हिट झाला तर 3,000 रुपयाचं पारितोषिक त्या बॅटरला दिलं जाईल देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड में इस तरह के एडवेंचर शॉट में किसी जमाने में 1,00,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए जाते थे बिल्कुल सामने डहाणू सा बारी DJ अगर वहां लगती है बॉल एडवेंचर शॉट जर शॉट असेल भारी तर 30,000 देईल बारी 3,000 माफ करा 1-0 कट झालाय 3,000 रुपये देतील डहाणूचा बारी शॉर्ट बॉल आणि त्याच दिशेने पुल केला इट्स आउट ऑफ द पार्क ह्यूज हिट सिक्स टेरेसवर हा बॉल जातोय तिथे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना कॅच घेण्याची संधी होती परंतु हा येईल षटकार तो वो जो इनाम था वो केवल इस ओवर के लिए था ऐसा हमें सूचना मिली है लेकिन अजित मोहिते ने वो जो सिक्स लगाया अजित के बल्ले से सिक्स का आना
ये मतलब अजीत के बल्ले से सिक्स कब आएगा, ये लोग उस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बारिश की पहली बूंद का इंतजार करता है। अजीत के बल्ले से ये सिक्स का आना, ये वाकई में नीलेश परदेसी और सुप्रीमो के दो दिन पहले ये सिक्स का आना मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट था। हाइट है या बैटर कड़े शॉर्ट बॉल वर तुडून पड़तो, पुल चे फटके चांगले मारतो आणि त्याच्या बैट मधून अगदी तसा षटकार आलाय। बॉल आई थिंक आला मैच बॉल, त्या बॉल ने इथे खेळ केला जाईल। रन झालेले आहेत स्कोर बोर्ड वर 22-2 हे वर्ष, दोन ओव्हरचा खेळ संपलाय। नगराध्यक्ष चषक 2022 तुम्ही पाहताय, भरतसिंह राजपूत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर, टीम कनेक्ट आयटी। टॉस त्यांनी जिंकला, बॅटिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, चांगला खेळ सध्या तरी ते करतायत। विजय गढवाली या बॉलरने प्रभाव टाकलाय, या बॉलरने प्रत्येक वेळेला ज्या ज्या वेळेला त्याच्या हातामध्ये बॉल दिलाय उंचीचा चांगला वापर केलाय, पेस चांगला आहे आणि नेहमीच हावी होतो फलंदाजांवर। परंतु आज पाहूया थॉमस डायस, मुंबईचं वादळ त्याच्या समोर आहे आणि तो कसा खेळ करेल। अजित मोहिते सिक्सर किंग म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं, नायगाव परिसरातील हा खेळाडू दादरच्या। विजय गढवालीचा पहिला यॉर्कर, त्याला सन्मान दिलाय आणि हे महत्वाचं आहे। चांगल्या बॉलचा सन्मान करा, खराब चेंडूचा समाचार घ्या, हेच तर क्रिकेटचं परिसूत्र आहे। परफेक्ट यॉर्कर मतलब कोई लूजनर बॉल की जरूरत नहीं है। मानो जब सेमीफाइनल खत्म किया था जहां रुके थे वहीं से शुरुआत की विजय गढ़वाली ने। और कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये लाइन केवल बैटिंग के लिए नहीं, ये बॉलिंग के लिए भी उतनी ही लाजमी है। क्योंकि जब आप अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं तो आप बल्लेबाज को हिलचाल का मौका कम देते हैं, बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक करने वाला यॉर्कर। चांगला यॉर्कर पहिल्या बॉलवर हावी ठरलेला आहे विजय गढवाली, परंतु त्याच्यासमोर अजित मोहिते ज्यांनी मागच्या ओव्हरमध्ये षटकाराने ते षटक संपवलं होतं। आता या ओव्हरमध्ये त्याची रणनीती काय? विजय गढवाली सेकंड बॉल, यावेळेला देखील बॉलर बॅक ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न होता पायाने, परंतु समोर क्षेत्ररक्षक आहे तिथे फक्त एक रन मिळताना दिसेल अजित मोहितेला। आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर भेदकता दिसते या ओव्हरमध्ये। विजय गढवाली याच्यासाठीच आपण चर्चा करत होतो, या बॉलरकडे उंची आहे, या बॉलरकडे क्षमता आहे पुढे टाकण्याची, यॉर्कर टाकण्याची, त्या लेंथला हिट करण्याची, आणि आतापर्यंत त्याने ते केले। ओव्हर नंबर 13 प्रोग्रेस, तिसरं षटक सध्या मार्गस्थ। विजय गढवाली टू थॉमस डायस, यावेळेला थॉमसने पहिलेच थोडासा स्टान्स बदलवलेला होता, मिडविकेटला खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्याच्यानंतर विजय गढवालीचा हा बॉल चांगला आहे, हा डॉट बॉल त्याने टाकलाय। म्हणजे इथे विजय गढवाली या ओव्हरमध्ये हावी आहे या दोन्ही बॅटरवर। पहिल्या तीन बॉलमध्ये फक्त 2 रन, त्यामध्ये 2 सिंगल आलेले आहेत। थॉमस डायस वेगाने रन करू शकेल का या ओव्हरमध्ये? विजय गढवाली पुढचा बॉल, याही वेळेला बीट केले थॉमसला, अपील, मोठी अपील आणि इथे आउट। थॉमस डायसची विकेट घेतलेली आहे या ओव्हरच्या दरम्यान विजय गढवालीने। त्याच्या चौथ्या बॉलवर थोडासा विचार विनिमय झाला आणि स्ट्रायकिंग इनच्या अंपायरने अक्षरशः मान डोलवली आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की नॉन स्ट्राइकिंग इनला जे अंपायर आहेत तर त्यांनी निर्णय दिला फलंदाज बाद। और एक प्लान के तहत ये गेंद की थी और थॉमस डायस को कमिट करवाया था, बिल्कुल अनिश्चितता के गलियारे में वो बॉल को पिच करवाया था। और उस गुडलैंड बॉल को आगे जाकर खेलूं या पीछे जाकर खेलूं इसके पहले थॉमस के बल्ले के होशो हवास उड़ाती हुई बॉल सेटल हो गई जॉन्टी सरकार के हाथों में। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट
अप्रतिम बोलिंग विजय गढ़वाली। थोड़ा सा फास्ट खेला, बैटर देखील विनंती आहे लगेच एक बैटर आउट झाल्यानंतर दुसरा बैटर ने मैदान मध्ये जायचं आहे, जास्त वेळ कृपया घेऊ नका। अगदी फेअर गेम झाला पाहिजे, शेवटचा सामना आहे संध्याकाळच्या सत्रात। खेळतो योगेश पवार, स्ट्राइक स्ट्राइकला होता, कट केलाय पॉइंटला, चांगले क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, थ्रो चांगला होता, स्टंपवर लागलेला नाहीये आणि इथे दोन रन कंप्लीट। अन्नू तिथे होता, बोलिंग चांगली केली आणि आता तो आत्मविश्वास दिसतोय फील्डिंग मध्ये। देखिए अन्नू स्वयं बॉलर है और बॉल उनके लेफ्ट साइड में आया था क्योंकि वो लेफ्टी है, इसलिए वो थ्रो डेंजर था और एक अच्छा काम ये हुआ कि उसको बैकअप किया गया, वरना विकेट लेने के चक्कर में एक्स्ट्रा लेने के देने पड़ जाते। लेकिन कुछ भी हो, कसम से बोलता हूं, दाणू के चीकू की कसम, मजा आ रहा है, मजा से थे या मैच मध्य रंगतदार सामना चल रहा है, शेवट पर्यंत रंगेल हा सामना। विजय गढ़वाली पुढचा बॉल, लास्ट बॉल या ओव्हरचा, हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली आहे, पॉइंटला एक रन मिळेल, ओव्हरची समाप्ती, स्ट्राइक ठेवेल योगेश पवार स्वतःकडे। तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय, 9 सरासरीने रन केलेले आहेत 27, 27 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर, टीम कनेक्ट आयटी। एक ओवर डाली और एक ओवर लेकर थॉमस की विकेट ले डाली, वो है धमाका दिल्ली का विजय गढ़वाली। चांगली बॉलिंग विजय गढ़वाली ची, ओवर नंबर 4 मध्ये पुनः एकदा अन्नू त्या एंड कडून बॉलिंग साठी तयार होईल। एंड चा वापर पहा, याही टीम कडे एंड चे वापर करणारे चांगले बॉलर आहेत, अन्नू त्या एंड ने चांगली बॉलिंग करतो। पहिला बॉल ड्राइव केलाय, चांगला कवर ड्राइव, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एक रन इथे कंप्लीट होईल, दुसरा रनचा प्रयत्न होताना दिसत नाहीये, सध्या शांत क्रिकेट तुम्ही पाहताय। अजित मोहितेकडे संधी आहे मोठे फटके मारण्याची, परंतु अन्नू त्याला हात खोलू देईल का, कारण त्याने या अगोदर पावर प्ले मध्ये फक्त 8 रन खर्च केले होते, त्याच्यामध्ये 2 बॅटरला आउट केलं होतं, हॅट्रिक वर होता अन्नू। फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदल, कवर्सला डीप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक सजवलाय, लॉंग ऑफ ठेवलाय आणि अन्नू तयार आहे समोर अजित, आणि बरोबर निर्णय घेतला होता तिथे क्षेत्ररक्षक लावण्याचा, इथे रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि तिथेच फसलाय अजित मोहिते, मोठी विकेट पुन्हा एकदा प्राप्त करतोय अन्नू। और बिल्कुल स्टंप्स पे आती हुई गेंद पर अजित मोहिते एक स्विच हिट लगाने गए और अपने विकेट का उन्होंने तोहफा दे दिया। अन्नू की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने विश्वजीत ठाकुर की तारीफ की, हमने तारीफ की फिरोज की, हमने तारीफ की इमरोज की, हमने तारीफ यहाँ तक राकेश प्रभु की, लेकिन अन्नू वो छुपा रुस्तम गेंदबाज है जो अपना काम करता जा रहा है। उसे मालूम है मुझे केवल अपना काम करना है, नाम इज्जत शौहरत दौलत ये अल्लाह देगा, मतलब उसे पता है कि मुझे अपना काम करना है। एंड लुक एट द वे ही इज बॉलिंग, स्टंप टू स्टंप, टाइट लाइन, एक्यूरेट लाइन, अगदी बरोबर आहे। प्रसिद्ध होईल की नाही माहित नाही, परंतु सिद्ध होण्याची धडपड कधी थांबवणार नाही, हेच इथे त्याची बॉलिंग सांगताना दिसते। अन्नू ने या अगोदर 2 विकेट, या ओव्हर मध्ये 1 विकेट अजित मोहितेला बाद केलं, यॉर्कर वर आता नवीन बॅटर विश्वजीत ठाकूर आलाय, रन आहे स्कोर बोर्ड वर आतापर्यंत 28-28, टीम कनेक्ट आयटी, 28 लॉस ऑफ 4 विकेट।
हा बॉल बॅकफुटला गेल्यानंतर ऑन साइडला अगदी मनगटाच्या सहाय्याने वळवला, एक रन कंप्लीट होते, दुसरा रनचा प्रयत्न, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही बॅटर मध्ये ताळमेळ चांगला आहे, दोन धावा मिळतील विश्वजीत ठाकूरला, त्याचं खातं उघडलं जात आहे 30 रन आता स्कोर बोर्डवर आहेत। देखिए विश्वजीत ठाकुर स्वयं बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंडर है, योगेश पवार ये भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर हैं, उन्हें पता है कि चार और छह नहीं मिलते तो एक को दो में तब्दील करना ये अकलमंदी रहेगी और मौके को एनकैश किया। हे समजदारीचं क्रिकेट आहे आणि तेच इथे करतो, अलॉंग द कार्पेट सध्या खेळण्याचा प्रयत्न आहे, एक रन जिथे होते तिथे दोन रन घेण्याचा प्रयत्न आणि रनिंग बिटवीन द विकेट पहा, दोन हरण धावतायत असं वाटतंय खेळपट्टीवर या 22 यार्डच्या, ज्या वेगाने इथे दोन धावा पूर्ण केलेल्या आहेत दोन्ही बॅटरने, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये जो टी शर्ट का कलर दिया गया है कनेक्ट आईटी को, 1992 के विश्व कप में भारतीय टीम का जो ड्रेस था वो ड्रेस कोड आप देख रहे हैं इस वक्त, कनेक्ट आईटी को 1992 के विश्व कप में हमने ये कपड़ों में खेला था और विश्वजीत ठाकुर जिस तरह दौड़ रहे थे वाकई में काबिले तारीफ। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, टीम ची धाव संख्या 32, 32 लॉस ऑफ 4 विकेट, चार बॉल चा खेळ संपला या ओव्हरचा, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, इथे बॉल वेगाने खाली राहिला, विकेट कीपर कडे गेला, डॉट बॉल आलाय, आपसुकच जे प्रेक्षक आहेत त्यांच्या तोंडातून निघतंय बॉल यार, त्याचं कारण आहे या गोलंदाजाने आपली क्षमता इथे सिद्ध केली आहे, चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग केली आहे, मोठमोठ्या फलंदाजांना थांबवलं, या अगोदर दोन विकेट घेतले, या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 5 रन खर्च केलेत, 5 बॉल टाकलेत, 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये अजित मोहितेची। सबसे बड़ी बात है विश्वजीत ठाकुर जो डॉट बॉल करता है डॉक्टर को उसी का प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने पिला दिया। अगदी बरोबर आहे, त्याच्याच विरुद्ध अशी बॉलिंग होते त्याला माहिती आहे धार आहे या बॉलिंग मध्ये। पुढचा बॉल या वेळेला जागा मिळाली आणि तिथे क्षेत्ररक्षक ठेवलाय, फक्त एक रन मिळेल, विकेट कीपर एंडला थ्रो येतोय, ओव्हरची समाप्ती होते, आतापर्यंत 4 ओव्हर समाप्त आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या 33, 33 लॉस ऑफ 4 विकेट, टीम कनेक्ट आयटी। कसं पाहता टार्गेट 33 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 4 ओवर, पहिले 4 ओवर में बहुत खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिला है, पहले 2 ओवर में अगर देखे तो 22 और उसके बाद वाले 2 ओवर में केवल 11 रन, लेकिन अब आखिरी 2 ओवर जो स्लॉट है दोनों हार्ड हिटर्स है, विजय गढ़वाली का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विजय गढ़वाली डॉट बॉल ने या ओवर ची सुरुवात केलेली आहे आणि हे पाहिजे करायला, ज्या पद्धतीने त्यांनी आतापर्यंत गोलंदाजी केली या अगोदरचं षटक यशस्वी आणि याही षटकाची सुरुवात आहे डॉट बॉल ने, बहुत ही लाजवाब सुरुवात विजय गढ़वाली द्वारा, निरंतरता के साथ गेंदों को कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को बहुत आराम से पढ़ लेते हैं गढ़वाली। यावेळेला एक चांगला बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, वेग चांगला आहे गढवालीकडे, टप्पा होता परंतु ओव्हर थ्रोच्या दोन धावा मिळतील, या रन रोखाव्या लागतील, आणखीन एक ऍड होईल का, तिसरी रन पूर्ण, 3 धावा इथे अक्षरशः चोरून काढलेल्या आहेत। देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हेमंत बडियाल साहब भी थोड़ा गुस्सा करेंगे कि दिल्ली से हम दानू डेबिट कार्ड स्वाइप करने नहीं आए, रन इस तरह दिए जा रहे हैं जैसे डेबिट कार्ड स्वाइप किया जा रहा हो, दे शुड हैव स्टॉप दैट, इट इज अ फाइनल, विजेता और उपविजेता के बीच में 2.5 लाख रुपए का फर्क है और ट्रॉफी का फर्क है, सो मैं समझता हूं यहां पर इस तरह का जो प्रदर्शन था एकदम ढीला और सुस्तापन, जिथे एक रन होती तिथे 3 रन खर्च केलेले आहेत आणि या ट्रिपल बरोबर धावा आहेत आता स्कोर बोर्डवर 36 ओव्हर नंबर 5 खेळ सध्या प्रगतीपथावर, 2 बॉल टाकून झालेत गढवालीकडून विजयने या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 रन खर्च केले होते आणि इथे आणखीन एक डॉट बॉल योगेश पवारच्या विरुद्ध, पाय चालताना दिसत नाहीयेत, बॉल वेगवान जातोय आणि चांगली बॉलिंग आणि तेवढंच चांगली यष्टीरक्षण इथे पाहायला मिळते, धमाका क्रिकेट क्लब दिल्लीचं।
जॉन्टी सरकार की विकेट कीपिंग, सेमीफाइनल में वो जो कैच लिया था, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ 2022 बाय जॉन्टी सरकार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला कैच था। विजय गढ़वाली चौथा बॉल या ओवर का पुन्हा एकदा पायावर टाकला आहे, अपील होती परंतु इथे बॅटला ब्रश झाला आहे असं सांगतायत अंपायर आणि स्वतः बॅटर देखील, त्याच्यामुळे एक रन इथे मिळेल आणि ती खात्यामध्ये जाईल योगेश पवारच्या। या सिंगल बरोबर रन होत आहेत 37। पाचवं षटक सध्या प्रगतीपथावर आहे, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सूर्य अस्ताला चाललाय। नगराध्यक्ष चषक 2022 अंतिम सामना तुम्ही पाहताय, ग्रँड फिनाले। या स्पर्धेचे शिल्पकार भरत सिंह राजपूत साहेब जे नगराध्यक्ष आहेत आपल्या डहाणू शहराचे, त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा महासंग्राम अंतिम टप्प्यामध्ये आलाय। प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद, चौफेर गर्दी पाहायला मिळते दर्दी प्रेक्षकांची। यावेळेला शॉर्ट बॉल आणि त्याला पाठवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार। जी ठाकुर का, ठाकुर एक बोलिंग ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर सकता है जरूरत पड़ने पर, और आज इससे बड़ा उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता जब टीम के चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। विश्वजीत ठाकुर बतौर ऑलराउंडर अपने आप को पुनः प्रस्थापित करें। सांगली बैटिंग विश्वजीत ठाकुर जी, अनि पुनः एकदा तेज खराब स्ट्रोक सिलेक्शन। ओवर ची समाप्ति, पांच ओवर का खेल संपला, 43 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर। उसमें जो लेग बाय के तीन रन थे जो ओवर थ्रो के साथ आए, वो शायद अवॉइड किए जा सकते थे क्योंकि विजय गढ़वाली ने दबाव बनाया था, लेकिन अब यहां पर पांच ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर अब थोड़ा सा सेहतमंद स्थिति में नजर आ रहा है। अभी भी विश्वजीत ठाकुर और योगेश पवार आखिरी ओवर में अगर 10 से 15 रन जोड़ देते हैं तो उनका जो बॉलिंग अटैक है उसको मद्देनजर रखते हुए 55 रन ये पर्याप्त हो सकते हैं। अगदी बरोबर आहे, चांगली धाव संख्या होऊ शकते कारण या टीम कडे विश्वजीत ठाकूर, विवेक शेलार आहे, त्याचबरोबर आपण पाहिले फिरोजच्या चांगल्या ओव्हर्स, एमरोज त्यामध्ये पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करताना दिसतो, त्याच्यामुळे एक टार्गेट सेट करणं गरजेचं आहे। 43 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओव्हर। पाच षटकाचा खेळ संपलाय, 43 चार फलंदाज बाद आहेत। टीम कनेक्ट आयटी डहाणू, लोकेश लेग बायचा इशारा इथे होईल। लोकेश मुझे अगर आपको याद होगा कुणाल, नवंबर 2021 में टेनिस क्रिकेट बैश का पहला मैच धीरज सिंह और लोकेश ने जो बॉलिंग की थी, आज भी लोगों की आंखों के पलकों में वो कैद है, और लोकेश अपनी गेंदबाजी में वही धार आज 8 महीने बाद फिर से दिखाते हुए। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है लोकेश, आणि इथे पहिल्या बॉल वर ते दाखवले परंतु समोर आता विश्वजीत है। या ठाकूरच्या बॅट मधून हा समोर मारलेला फटका आणि अगदी स्ट्रेट डाऊन डी ग्राउंड, बाणाला देखील आता थोडीशी लाज वाटेला, 6 फटका त्याने सजवलाय, चौकार। स्ट्रेट ड्राइव, क्रिकेट में इस तरह के शॉट के लिए कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है, मखमली और मुलायमी चौका। चांगलं टाइम केलं, चांगला स्ट्रेट ड्राइव इथे दाखवलाय विश्वजीतने, आणि त्यानंतर इथे टर्न करतोय, बॉल मागे चाललाय, एक रन इथे कंप्लीट होईल का, थ्रो येतोय बॉलर एंडला आणि तिथे एक नाही तर 2 धावा मिळतील असं चित्र आहे। 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत, मगाशी 3 धावा खर्च केल्या, इथे 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट।
चीता और हिरन मानो दोनों दौड़ रहे हैं। और देखिए इस तरह के जो एक्स्ट्रा रन धमाका क्रिकेट क्लब दे रहा है, महंगे पड़ेंगे। 50 रन पूर्ण झाले, 50 लॉस ऑफ 4 विकेट या ओवर मध्ये, आतापर्यंत 7 रन, लेग बाय, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर 2 रन, 50 रन पूर्ण होत आहेत। 5 ओवर नंतर 43 रन होते। इथे शॉर्ट बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम होतोय, बॉल हवेत आहे, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नाहीये, नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल पडेल, 2 रन मिळतील विश्वजीत ठाकूरला, नक्की निराश असेल या बॉलवर, फटका कन्वर्ट करता आलेला नाहीये। स्कोर 52 पर पहुंचा है और मेरे ख्याल से यहां से 4 से 5 रन अगर और बन जाते हैं तो बात बन जाएगी। कनेक्ट आईटी ने कनेक्ट बहुत अच्छा किया है, कनेक्ट आईटी का वाईफाई नेटवर्क स्ट्रांग है और कनेक्ट आईटी उसका जो रन बनाने का स्पीड है वो भी परफेक्ट एमबीपीएस पर दौड़ रही है। महत्वाचे 19 रन केले या डावामध्ये विश्वजीत ने। आणि या वेळेला पुल पॉवरफुल, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, षटकार। दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, टेनिस क्रिकेट की दुनिया को जीतते हुए तुम कब तक मुझको रोकोगे। चांगला पुल, चांगला फटका, षटकार इथे प्राप्त केलाय, हीच खासियत आहे या विश्वजीत ठाकूरची। 25 रन वर तो जाऊन पोहोचलाय या मॅच मध्ये, 12 बॉल त्याने फेस केलेत, चांगला खेळ। या वेळेला बॉल हवेत खेळलाय, 1 रन इथे कंप्लीट होईल, दुसरा रनचा प्रयत्न केला जाईल आणि इथे 2 रन यशस्वीरित्या पूर्ण होतील। 6 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय, 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले 61 इज द टार्गेट, 61 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे, 61। आय थिंक अ परफेक्ट क्लायमॅक्स टू द इनिंग और विश्वजीत ठाकूर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए, क्रिकेट में सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मुहावरा है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ऑलराउंडर, ऑलराउंडर न टीम को बैलेंस देते हैं बल्कि कैप्टन को ऑप्शंस देते हैं और विश्वजीत ठाकुर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को टीम में पाकर वाकई में अब जो ये स्कोर है ये मैच विनिंग स्कोर है ऐसा हम कह सकते हैं। अभी दूसरी पारी बाकी है बट दिस इज डेफिनेटली द मैच विनिंग स्कोर एज ऑफ नाउ। दशक 2022 आखिरी 6 ओवर का खेल, 5 लाख रुपए की इनामी राशि और नगर अध्यक्ष चषक को जीतने की होड़ में यहां पर दो ओपनिंग बैटर्स अब मैदान में उतरते हुए और एक कंप्लीटली अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हुआ धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली। 61 रन मैच जीतने के लिए बनाने हैं 36 गेंदों में और बहुत ही बढ़िया व्यू हमारे कैमरामैन का 70-70 स्पोर्ट्स।
70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 ड्रेसेस, विश्वजीत ठाकुर की इनिंग यहां पर गेम चेंजिंग फैक्टर रहा है। आइए देखते हैं लाइव व्यूअर्स कितने हैं। 4,138 लोग लाइव देख रहे हैं और आज के दिन में 1,61,656 लोगों ने इसको अब तक लाइव देख लिया है। इत चांगली व्यूअरशिप मी म्हणेन या स्पर्धेला, तेवढाच उदंड प्रतिसाद प्रेक्षकांनी दिलाय। मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आलेले आहेत आणि त्याचमुळे चर्चा होते या नगराध्यक्ष चषकाची। दोन ओपनिंग बॅटर्स और पहिला ओव्हर लेकर आ रही इमरोज, इमरोज खान, दिल्ली का बारवा प्लेयर, दिल्ली, यही तो खास बात है, दिल्ली के छोले कुलचे लाजपत नगर के कभी भी खाए मजा आ जाता है, लेकिन क्या आज यहां पर रन बना पाएंगे धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली। इमरोस की पहली गेंद बहुत अच्छा टेक ऑफ लेती हुई, मेरे ख्याल से बैटर थे जॉन्टी सरकार, और सरकार पहली बॉल पर बीट हुए और वहां पर जाकर तुरंत नॉन स्ट्राइकर एंड के बैटर उनसे बातचीत करते हुए। रोहित चंडीगढ़ और सागर अली ये दो बैटर हैं और यहां पर अपील और आउट, बल्ले का मोटा सिरा और इमरोज खान ने रोहित चंडीगढ़िया को आउट कर दिया है। जोर का झटका। शून्य पर आउट हुए और इमरोज खान की गेंदबाजी की यह धार शाम ढलते समय भी इसी तरह कायम रही और नया बैटर है जॉन्टी सरकार। जॉन्टी सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं क्योंकि रोशनी कम है, टारगेट बड़ा है, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है, लेकिन यह जॉन्टी सरकार है और सरकार को अच्छी तरह पता होता है क्या करना है। इमरोस की गेंद, स्विच इट लगाया, एक रन पूरा किया, हालांकि आउट होने का खतरा भी टलता हुआ। अब सागर अली बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए, कल सागर अली ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश किया था शॉर्ट पॉइंट पर, जो उन्होंने डॉल्फिन मछली की तरह छलांग लगाई थी, ये कल के दिन का हाईलाइट था। शाहिद शेख का कैच कल के दिन का हाईलाइट रहा था, श्रेयस कदम ने आज लिया हुआ कैच ये वाकई में काबिल तारीफ रहा है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर 60 रन चाहिए नगराध्यक्ष चषक को जीतने के लिए। 5 लाख रुपए की इनामी राशि विजेता टीम को दी जाएगी आज की शाम। एक और तेज तीखा तेवर दिखाते हुए इमरोज खान, कुणाल जहां विजय गढ़वाली राइट आर्म राउंड द विकेट कामयाब रहे, वहीं इमरोज खान को भी कामयाबी मिल रही है। पावर प्ले मध्ये ते म्हणजे विशेष म्हणजे ज्या वेळेला फील्ड रिस्ट्रिक्शन असतं, क्षेत्ररक्षक आतमध्ये असतात, अशा परिस्थितीमध्ये नेहमीच चांगली बॉलिंग करत आलेला आहे या स्पर्धेमध्ये आणि विशेष म्हणजे त्याच एंडकडून महागिरी एक्सप्रेस। इस बार खेला ऑन साइड पर, समय थोड़ा, एक रन पूरा किया, दूसरा लेना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन खतरा उठा लिया है और जी हाँ, तेज कदम भागते हुए वहां पर सागर अली। इस तरह रिस्क लेना होगा, फील्डिंग पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि इसी तरह हमने देखा योगेश पवार और विश्वजीत ठाकुर ने रन बनाए थे और उसी शैली में
यहां रन बनाने की शुरुआत करते हुए सागर अली, स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 3, अब 58 रनों की दरकार। दो कदम आगे आए, ड्राइव किया, यह अलग बात है कि गेंद गई थी मिडॉन पर जहां थॉमस डैश ने उसे रोका था। स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 4 रन, पहला ओवर समाप्त होता हुआ 4 रन एक विकेट, और बचे हुए 5 ओवर में 57 रन चाहिए। पता होता है पूरे टूर्नामेंट का पैटर्न, आप देख लीजिए, पहला ओवर इमरोस, दूसरा विवेक, तीसरा विश्वजीत, चौथा विवेक, पांचवा विश्वजीत, छठा फिरोज। यह बड़ी टीमों की निशानी होती है, जो चैंपियन टीमें होती है उनका प्लान जो है वो बिल्कुल प्लान पर अड़े रहते हैं, फिर उसे 5 रन पड़े, 10 रन पड़े या 20 रन पड़े, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन टीम। कनेक्ट आईटी ने वही पैटर्न को कायम रखा है और विवेक शेलार को बुलाया है दूर वाले छोर से सागर अली के लिए। सागर अली थोड़ा साहस के साथ खेलना चाहते थे, महंगा पड़ सकता था, हालांकि एक रन जरूर लिया है सागर अली ने लेग बाय अंपायर द्वारा। जॉन्टी सरकार को स्ट्राइक दिया, सागर अली को ऊपर भेजने के पीछे क्या वजह थी, शायद लेफ्टी बैटर, लेकिन हेमंत बनियाल और पूरी मैनेजमेंट ये भी सोच रही होगी कि सागर अली जैसे लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजने के बाद लेखा जोखा क्या है, क्या सरकार को ऊपर भेजा जा सकता था, यह भी एक सवाल रहेगा। इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, नेवर टेक इंपल्सिव डिसीजन। कॉरपोरेट दुनिया में 3 D होते हैं, डिस्कस, डिसाइड एंड ड्राइव। पहले डिस्कस करें क्या करना है, फिर डिसाइड करें किस तरह करना है, और फिर उसको ड्राइव करें जो डिसाइड और डिस्कस किया है। क्या यह गेम प्लान कारगर साबित होता, सागर अली इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त जॉन्टी सरकार 5 रन एक विकेट के नुकसान पर 5 for 1 चेजिंग 61 इन द ग्रैंड फिनाले। 5,465 लोग लाइव देख रहे हैं, और ये अब सुर्रा विवेक शेलार, आज के पूरे दिन में 1,65,000 लोगों ने इस मुकाबले को, इस पूरे टूर्नामेंट को देखा, और वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है। बहुत ही खूबसूरत फुल टॉस के ग्राफिक्स आप देख रहे हैं अपने मॉनिटर पर, एक तरफ सम्माननीय भरत सिंह राजपूत साहब की तस्वीर, एक तरफ लोगो नगर अध्यक्ष चषक का, और एक तरफ फुल टॉस का बॉल फ्लोरोसेंट ग्रीन में लहराता हुआ। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट इज नॉट अ वाइड। दोनों टीमों ने अपना एक एक रिव्यू खो दिया है, दोनों टीमों का एक एक रिव्यू बचा हुआ है। थैंक यू सो मच 70-70 टीम फॉर क्लैरिफाइंग दिस। इस बार ड्राइव किया, बहुत ही बढ़िया बोलर्स बैक ड्राइव, लेकिन विवेक शेलार, कुणाल विवेक शेलार अपनी गेंदबाजी पर, कॉटन बोल्ड विकेट, अपनी गेंदबाजी पर बॉल को रोकने में एक अलग अनोखा खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है। आत्मनिर्भर विवेक शेलार, इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सरकार। इस वक्त सरकार के तमाम प्लान सागर अली के प्लान के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हुए, पहले इमरोज खान और अब विवेक शेलार। कुणाल, एक और चीज आप गौर करेंगे, फिरोज को अगर आप निकाल दें बोलिंग अटैक से, तीनों बोलर इमरोज, विश्वजीत और विवेक शेलार का रनअप आप देखिए, द लॉन्गेस्ट रनअप्स। इस बार हुक कर दिया, बिल्कुल सही जगह पर उसको नसीहत देता हुआ जॉन्टी सरकार।
आखा देणू ने जेनी आस छे जे दाणू ना खास छे एवा भरतभाई राजपूत। और ये देखिए बैठक शॉट, आज की शाम का दिल दहला देने वाला छक्का। दो ओवर 15 रन एक विकेट, अब 24 गेंदे हैं और 46 रनों की जरूरत है। कैसी अशीच परिस्थिति होती पहिला डावा मध्ये, तिथून विश्वजीत ठाकुर ने डाव सावरला, नहीं ते जॉन्टीला आता तेज करायचे सागरच्या बरोबरीने। टीम च्या दरम्यान जर आपण पाहिले तर बॅटिंग मध्ये डेप्थ आहे, खोली आहे, रन करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, परंतु सूर्य अस्ताला चाललाय ही चिंतेची बाब असेल या बॅटिंग करणाऱ्या टीम समोर। आणि समोर वेगवान बॉलर आहेत विश्वजीत ठाकुर सारखे। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर ही अब सारा दारोमदार है और उसके सामने बल्लेबाजी करेंगे सागर अली। सागर अली अब तक शांत है, लेकिन शांत रहना ये उनकी कमजोरी नहीं है। हो सकता है कि वो भी अब विश्वजीत ठाकुर के सामने मोर्चा खोले। मोर्चा खोलना होगा, शादी का घोड़ा शादी के दिन नहीं दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा। धमाका सीसी को धमाका करना होगा कनेक्ट आईटी के सामने। और यस सागर अली, ये सागर अली है और मेरा नाम है सागर अली और मेरे सिक्सर ने मचा दिया खलबली। सागर अली ने हवा में खेला है, वहां कैच तो नहीं होगा, दो रन बन सकते हैं। तेज कदम भागते हुए योगेश पवार का थ्रो और बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग वहां पर अजीत मोहिते की, दो रन धमाका के खाते में, धमाका का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। 61 रन बनाने हैं और उसमें 23 रन बन चुके हैं। बॉल का मुहैना करते हुए और अब खेल फिर से शुरू होगा। 23 for 1। सागर ने हुक कर दिया, बॉल पीछे जा रही है, कम से कम एक ही रन मिल पाएगा। देखिए फिरोज का थ्रो, फिरोज खुद एक लेफ्टी बॉलर है और उनके बाएं हाथ में गेंद आई थी, एक परफेक्ट थ्रो। और अब 24 पर एक, 21 गेंदे 37 रन, 21 बॉल्स 37 टू विन। कमालीचा रंगतो हा सामना आणि जशी फायनल अपेक्षित होती अग्री तशीच फायनल रंगताना दिसते नगराध्यक्ष चषकामध्ये। सागरची भूमिका तेवढीच महत्त्वाची आहे, जॉन्टीचा खेळ चांगला होणं गरजेचं आहे या मॅच मध्ये। बहुत जबरदस्त टेक ऑफ था, बिल्कुल बाजू से गुजरी गेंद और जॉन्टी सरकार खेल शुरू होता हुआ 24 for 1। दो ओवर और चार गेंदों का खेल हुआ है, 24 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर।
क्या गेंदबाजी हो रही है विश्वजीत ठाकुर, सुबह दोपहर शाम रात ठाकुर ऐसी ही गेंदबाजी करता है, मैन विद गोल्डन आर्म्स। चौबीस पर एक, इस ओवर की आखिरी गेंद, 19 गेंदों में 37 रन, 19 चेंडू 37 धावा, 19 बॉल्स 37 टू विन। बिल्कुल जॉन्टी सरकार के आजू बाजू से गेंदे जा रही है और 18 गेंदे 37 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट 12 से भी ज्यादा का है, मोर देन 12 पर ओवर। इस तर चिंतेची बाब आहे, 12 च्या जवळपास रन रेट जाऊन पोहोचलाय, सूर्य अस्ताला चाललाय, वेग प्रचंड आहे विरोधी टीम कडे आणि इथून आता त्याच वेगावर स्वार व्हायचा बॅटरला, मोठे फटके मारावे लागतील त्याच वेळेला तुम्ही लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकता। इमरोस के ओवर की पहली गेंद, कैच का मौका, कैच तो नहीं होगा लेकिन दो रन वहां पर बल्लेबाजों ने जरूर पूरे किए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर एक। 17 गेंदे 35 रन, 17 चेंडू 35 धावा, 17 बॉल्स 35 टू विन। एक और लाजवाब गेंद, इमरोस खान ने कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर वाले छोर से भी अच्छी बॉलिंग की है। सागर अली ने इस बार पुल किया, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टप्पा खाया, दो रन पूरे किए वहां पर, दो दो रन भी वहां काम कर जाएंगे, धमाका सीसी दिल्ली के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक विकेट पर 28 रन, अब 15 गेंदे 31 रन, कंपलसरी चेज है, 15 बॉल्स 31 टू विन। फुल टॉस की गेंदों ने भी क्या कमाल किया है, चौके लगे, छक्के लगे, हैट्रिक हुआ, मेडन हुआ, मतलब फुल टॉस ने तबीयत खुश कर दी इस टूर्नामेंट में। इस बार बैठक शॉट और योगेश पवार एक जंप करते हुए चौका बचाया लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, बहुत अच्छी दौड़ लगाते हुए योगेश पवार स्वयं एक उत्कृष्ट फील्डर है और तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी के वो फील्डिंग कोच भी हैं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यू गॉट टू बी द बेस्ट फील्डर टू बिकम अ फील्डिंग कोच, और वही योगेश पवार का थ्रो वहां पर नजर आया, फैंटास्टिक 34-1। अभेद्य भिंत आहे ही फील्डिंग मधली योगेश पवार आणि पुन्हा एकदा त्याने तेच दाखवलं, प्रयत्न करून आणि महत्त्वाचं असतं धावा वाचवणं अशा स्टेज मध्ये। और यहां पर आउट होते हुए सागर अली LBW, बड़ा विकेट यहां लेते हुए इमरोस खान।
30 for 2, 3 ओवर और 5 गेंदे हुई है, अब गेंदे बची है कुल मिलाकर 13 और रन चाहिए 31, 13 balls 31 टू विन। इस बार गुड लेंथ बॉल थी, अच्छा एल्बो पोजीशन थी, लेकिन शॉट की ताकत को कम भी रखा था जगत ने ताकि रन को पूरा किया जा सके। 31 for 2, अब 12 गेंदे 30 रन, 12 balls 32 win। कुणाल, जो स्कोर उन्होंने 4 ओवर में बनाया उसे 1 रन कम 2 ओवर में बनाने हैं। कुणाल, अभी भी 18 का फर्क है, इसको मैथमेटिकली अगर मैं देखना चाहूं तो उनको 3 सिक्स लगाने हैं, और इस वक्त अगर हम देखें तो पहले 4 ओवर में केवल 2 सिक्स लगे हैं। 12 balls 32 win। जगत सरकार याची भूमिका खूप महत्त्वाची असेल। दुसऱ्या बाजूला विश्वजीत ठाकूरकडे आता बॉल दिला जाईल का हे पाहावं लागेल, त्याच्याकडे वेग आहे विकेट काढण्यासाठी, अशा परिस्थितीमध्ये जाणला जातो। आणि रन जे विश्वजीत ठाकूरने मिडल ऑर्डर मध्ये येऊन केलेले आहेत तेच महत्त्वाचे ठरतात या मॅच मध्ये। 12 balls 30 run। ठाकुर की अगेन द शूटर बॉल, 11 balls 30 run, 11 balls 32 win। जगत सरकार बैटिंग ऑर्डर में नीचे आए, अब सरकार एंड सरकार, एक तरफ जॉन्टी सरकार एक तरफ जगत सरकार, 11 balls 32 win। 11 चेंडू 30 धावा, 11 balls 32 win। और देखिए अभी ये सरकार का ट्रेडमार्क शॉट, पुल कर दिया, दूर दराज गेंद गई सैर सपाटे पर। सरकार टूर्स एंड ट्रैवल्स के जे नाव घेतलं तेच मी नाव घेईन, इथे जगत सरकारला चांगला खेळ करावा लागेल। सरकारने सरकार बना दी, लगातार 2 बॉल में 2 सिक्स, और अगर तीसरी सिक्स आती है लगातार 3 बॉल में 3 सिक्स। फटकारासाठी 21 नाही तर 30 हजार रुपयाचं पारितोषिक आहे, 30,000। अब 30,000 रुपये, देखिए समय मत लीजिए, खेल को शुरू कीजिए, गेम गरम हो चुका है जगत सरकार के आने के बाद। हरिजी सूर्यास्ताला चाललाय आणि आता 35,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल नगराध्यक्ष भरतसिंह राजपूत यांच्याकडून सलग 3 षटकारासाठी, जगत सरकार 35,000 रुपीज। अठारह रन और चाहिए, दिस इज अ शॉट, ओ माय गॉड, 35,000, 35,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल नगराध्यक्ष कल लगाए थे सुबह
लेकिन अब यहां तीन बॉल में 3 सिक्स जगत सरकार को मिलने जा रहे हैं 31,000 रुपए, सॉरी 35। खेल को शुरू किया जाए प्लीज। अगर ये बॉल पर सिक्स आता है तो 5,000 का बोनस और 35,000 रुपए जगत सरकार ने। आगे पीछे हमारी सरकार, सामने जॉन्टी सरकार और एक तरफ तारकेश्वर के सरकार जगत सरकार। 8 बॉल 12। टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बॉलर को 3 बॉल में 3 चाबुक शॉट। 40,000 बॉल असेल आता हा विश्वजीत ठाकूरचा। इथे चौथा षटकार मारला तर नगराध्यक्ष भरत सिंह राजपूत यांच्याकडून 40,000 रुपये दिले जातील। 40,000। 8 बॉल 12। इस बार बॉल पीछे गई है, रनआउट का खतरा और जगत सरकार आउट होते हुए। कहानी में ट्विस्ट आणि इथे जगत सरकार रनआउट। क्रिकेट मधली आत्महत्या इथे केली आहे। पांड्रा का ब्लास्टर बॉय श्रेयस कदम, बट व्हाट एन इनिंग्स बाय जॉन्टी सरकार। जगत सरकार व्हाट अ बैटिंग, कड़क बैटिंग, अप्रतिम खेल। अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना किंमत उरली नसती आणि त्यापैकी हा टेनिस बॉल क्रिकेटच्या जगतावर चमचमता सितारा म्हणजे जगत सरकार। प्रेशर वाली सिचुएशन में हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट बॉलर को 3 बॉल 3 सिक्स और वो भी कम रोशनी में, क्या बात है। पहला शॉट चाबुक, दूसरा कड़क, तीसरा भन्नाट झकास। 7 बॉल 12। टन 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 टारा। अब सरकार और ये लगा खूबसूरत चौका। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, ₹2022 के साल में लगातार 3 सिक्स पे इतनी बड़ी इनामी राशि कहीं भी नहीं दी गई। अब 6 बॉल 8 और एक बार फिर से फिरोज, टीम को तकलीफ से बाहर निकालने वाला फिरोज। लेकिन एक चीज पक्की है, जगत सरकार ने एक चीज बता दी कि अगर हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। और दुनिया में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जिसको आउट नहीं किया जा सकता और दुनिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसको छक्का लगाया नहीं जा सकता। 6 बॉल 8। मैच शुरू कीजिए प्लीज। 6 बॉल 8 फिरोज के सामने, बैंड्रा का ब्लास्टर बॉय श्रेयस कदम। कंपलसरी चेस 6 बॉल 8। 8 रन बने तो धमाका, 7 या उससे कम बने तो कनेक्टिविटी दानू।
लुक एट दैट शॉट, ऑन द राइज लगने वाला चौका। या सर गोष्टीचा उल्लेख हरीश सर आपण पहिल्या डावामध्ये केला होता, वाडा कोणाचा पण असो राडा आम्ही करणार हे सांगितलं होतं आज धमाका क्रिकेट क्लब दिल्लीने। आज डहाणू मध्ये येऊन दिल्लीचा धमाका आहे, दिल्ली से डहाणू की यात्रा धमाका क्लब के लिए कामयाब रही, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ। फिरोज को 6 बॉल में 3 रन बचाने, 6 बॉल 3। नगराध्यक्ष चषक 2022 जिंकलेला आहे धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने। ,231 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं जगत सरकार और उसके बाद श्रेयस कदम। लेकिन एक चीज है, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, और आज के पूरे दिन में 1,73,537 लोगों ने ये टूर्नामेंट को लाइव देखा। 5 लाख रुपए और भव्य नगर अध्यक्ष चषक धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली, 2.5 लाख रुपए और नगराध्यक्ष उपविजेता चषक कनेक्ट।